अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंगी मसूर की दाल की रेसिपी साथ उबले हुए चावल। अच्छा, ये दाल जो है हम फूड पांडा के लिए जो है वो हाफ टन करके भी रख सकती हैं, तो इसके जो है ना दाल की काफ़ी डिमांड होती है। अगर आप ये रेसिपी अपने मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जी व्यूअर्स, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने आधा आधा पाव दोनों दालें ले ली हैं। इनको अच्छी तरह से चुन लेना ज़रूरी होता है, कोई इसके अंदर स्टोन वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह से चुन कर इसको हम जो है भिगो देंगे किसी बाउल के अंदर पानी में, और तकरीबन कम से कम आधा घंटा इसको भीगा रहने दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप घंटा दो घंटे जितना आप रख सकते हैं। तो मैंने भी इसको यहाँ पर भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने चावल जो है ले लिए थे डेढ़ दो प्याली, उनको भी मैंने भिगो दिया था जब मुझे घंटा हो चुका था। तो अब मैंने इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दिए जी। तो मैंने इसको दो तीन पानी धोकर जो है रखा था, इसके अंदर जो पानी ऐड था वो पानी समेत मैंने इसको दाल को कढ़ाई में डाल दिए। साथ इसमें मज़ीद कुछ पानी मैं ऐड कर दूंगी, प्रेशर कुकर मैं नहीं लगाऊंगी। इसको दाल को मैं इसी तरह से चूल्हे पे डायरेक्ट जो है ना कुक करूंगी। इसके अंदर जो है टमाटर मैंने एक अदर डाला दरमियाने साइज़ का, प्याज भी दरमियाने साइज़ के, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच है, सूखा धनिया एक चम्मच है, नमक डेढ़ चम्मच, लाल मिर्च भी डेढ़ चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का। साथ मैंने दो चार जो है हरी मिर्चें भी डाल दी थी, आप काट के भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत ही डाल दी थी। इसका पकाने का तरीका बहुत आसान होता है। इस तरह इसको जो है ना सारा कुछ डाल के हमने कुक कर लेना होता है, और उसके बाद जो है एंड पे जब ये फाइनल कुक हो जाती है तो हम इसका तड़का जो है ना तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने जो है लहसुन साबुत ले लिया, साथ साबुत मिर्चें ले लिए, तो थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी साबुत डाला था। जब भी अच्छी तरह से जब ये ब्राउन हो जाएंगी सारी चीज़ें तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। अच्छा, अगर आप ये फूड पांडा के मेन्यू में ये दाल ऐड करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ेकार यह है कि इसको हाफ टन आपने, जैसे मैंने इसको भी कुक किया है, तो तड़का लगाने से पहले जो है ना आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, आप इसको रख भी सकते हैं फ्रिज में भी टिफिन बनाकर, और ये बहुत अच्छी फ्रेश जो है ना ये दाल रहती है। जैसे ही आपको ऑर्डर आए आपने दाल का बाउल निकालना है, उसको फ्रेश जो है ना तड़का लगाना है और जो है ना अपने कस्टमर्स को दे देना। और ये दाल इस तरह से ना बहुत पसंद की जाती है हमारी सोसाइटी में। आप चने की दाल भी बना के रख सकती हैं, इस तरह से दो चार और दालें आप कम्बिनेशन कर सकती हैं। तो इस तरह से वैरायटी थोड़ी सी अपने जो है ना मेन्यू में आप ऐड कर सकती हैं। जो दाल लवर्स हैं वो दाल बहुत पसंद करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से मेरी दाल जो है ना तैयार होगी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी तरह खा सकते हैं। तो मैंने आज इसके साथ बनाए हैं बॉयल्ड राइस, तो ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।